नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आप देख रहे हैं आज मैंने कुछ अलग ही यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये यूनिफॉर्म मेरा अपना नहीं है, वसई विरार महानगर पालिका ने जो एक आज कार्यक्रम आयोजित किया था, बेहद खूबसूरत कार्यक्रम, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज वसई के सुरुचि बीच पर सफाई अभियान रखा गया था। इसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। हमने यहाँ अभी आयुक्त साहब से बात की, अतिरिक्त आयुक्त साहब से बात की, आप सब आगे वीडियो में देखेंगे, सबका हमने बयान लिया है। हज़ारों लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए और आप देख सकते हो तस्वीरों में किस तरह से आज एक मुहिम रखी गई। और ये मुहिम, आज इस मुहिम की शुरुआत है, लेकिन ये मुहिम लगातार चलनी चाहिए। बीच ही नहीं, शहर भी साफ होने चाहिए। और इसका मकसद यही है इस मुहिम को रखने का, कि ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेकर जागरूकता फैले और कहीं ना कहीं हमारा देश जो है स्वच्छ बने, स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको गति मिले। तो देखिए इस पूरे कार्यक्रम की झलकी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, आज के इस कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के अंतर्गत सभी स्कूल कॉलेज के युवक युवतियाँ, इनको भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हमारे आह्वान पर, वसई विरार महानगर पालिका के आह्वान पर, सभी कॉलेज ने, स्कूल्स ने एक अच्छा प्रतिसाद महापालिका को दिया है। और ये जो स्वच्छता लीग है, यहाँ पे भी वसई विरार महानगर पालिका कॉम्पीट कर रही है और हमारे टीम का नाम भी वसई विरार विजनरीज ऐसा रखा है। इस टीम को एक अच्छा मानांकन या अच्छे अव्वल नंबर से इस लीग में उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके लिए हम युवक युवतियाँ और स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ हमारा प्रयास कर रहे हैं। 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये हमारा स्वच्छता अमृत महोत्सव हम मनाने वाले हैं। सर, कितने लोगों ने आज की इस रैली के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, क्या डेटा कुछ? इस रैली के लिए करीबन 6,000 युवक युवतियाँ नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट इज़ 5,643। बाबू साहब, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के जो प्रोग्राम है उसके अनुसार आज ये प्रोग्राम लिया गया है महापालिका की तरफ से। हमेशा जो स्वच्छता मुहिम आयोजित किया जाता है, उसी के अंतर्गत आज ये स्वच्छता मुहिम ये किया है। पब्लिक के सपोर्ट के बिना सरकार या महापालिका कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें हम लोग ने आज पब्लिक को इन्वॉल्व किया है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है, युवाओं को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि युवा और जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकते हैं। तो आज उनको विजय सर विनती है कि आप जो नाश्ता कितना साथ तो कृपया। सर, क्या अनुभव है आज का? बहुत अच्छा अनुभव है, लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद है। स्कूल कॉलेजों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और लोगों का ऐसा ही प्रतिसाद, लोक प्रतिनिधियों का ऐसा ही प्रतिसाद हम आगे भी हमारे कार्यक्रम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैडम, आज के इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, क्या कहेंगे आप, कहां तक संतुष्ट हैं? रिफ्रेशमेंट काउंटर महानगर पालिका ने तैयार किया है, सगळ्या नागरिकांनी, सगळ्या एनजीओनी, महिला बचत गटांनी, पदाधिकाऱ्यांनी आणि सगळ्या स्टाफनी, यांनी सगळ्यांनी मेहनत घेऊन सगळे उपस्थित राहिले, त्याच्यामुळे कार्यक्रम छान सक्सेसफुल झालेला आहे। आमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त टर्नआउट असल्याने कृपया, आणि आपणही बघत असाल आधी बीचची अवस्था काय क्लीन झाल्यावर महापालिका कर्मचारी उभा राहणार नाही, लक्षात येते सतत तौर पर स्वच्छता आणणे रखने के लिए क्या करना चाहिए? उपस्थित नागरिक विद्यार्थी अभियान घ्यावे लागतील आणि याच्यानंतर यूथला जास्त ह्याच्यात इन्वॉल्व करायचं आहे, की त्यांच्याकडनं हे क्लिनिंग करून घ्यायचं आहे किंवा त्यांना अवेकन करायचं आहे की क्लिनलीनेस किती इम्पॉर्टंट आहे। तर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? महापालिका ने स्वच्छता अभियान से तर त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। सर्व वरिष्ठ अधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी, फायर ब्रिगेडचे अधिकारी, नंतर वसईच्या जनतेने सुद्धा फार उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतलेला आहे। तर हे एक चांगला अभिक्रम आहे। तर असंच जर थोडं सगळ्यांनी रोज साफसफाई ठेवली तर नक्कीच आपले वसई स्वच्छ
सुंदर होईल अशी मला अपेक्षा आहे. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.